बॉलीवुड जंक्शन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान, शाहरुख, आमिर, इन तीनों को इस एक्टर ने स्टारडम के मामले में पीछे छोड़ दिया है। आखिर कौन है ये स्टार, प्लीज टेक अ लुक। सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान, बॉलीवुड इन तीनों खानों को खानों में खान कहा जाता है। लेकिन आपको बता दें कि कोई है जो इन तीनों खानों को स्टारडम के मामले में पीछे छोड़ चुका है। जी हाँ, ये जानकर आप हैरान होंगे, लेकिन ये बात सच है कि कोई और नहीं SS राजमौली की बाहुबली के लीड एक्टर प्रभास है। बाहुबली 2 से जुड़े एक इवेंट में कुछ इस तरह का बयान सामने आया और कोई कहता तो सवाल इतना बड़ा न होता, लेकिन ऐसा खुद बाहुबली की टीम का मानना है। बाहुबली के बारे में बात करते हुए फिल्म के डायरेक्टर और फोटोग्राफी सेंथिल कुमार ने कहा कि सभी बाहुबली के डायरेक्टर राजमौली को भारत का जेम्स कैमरून कहते हैं, जबकि मेरा मानना है कि राजमौली का टैलेंट कहीं बेहतर है और जेम्स कैमरून को हॉलीवुड का राजमौली कहना चाहिए। वही फिल्म के नेशनल अवार्ड जीत चुके बाहुबली के प्रोडक्शन डिजाइनर साबू सेरियल का कहना है कि वह इस फिल्म के साथ जुड़ फख्र महसूस करते हैं। साथ ही उन्हें प्रभास को सलमान खान से भी बड़ा स्टार बताया। अपनी छोटी बेटी के साथ डांस करती दिखी ए एक्ट्रेस, नाचते वक्त खींचा ये वीडियो, हुआ वायरल। एक नजर डालते हैं इस वीडियो पर। एक्ट्रेस और पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन अपनी दोनों बेटियों के साथ खूब एंजॉय करती नजर आई है। सुष्मिता ने इंस्टाग्राम पर अपनी छोटी बेटी के साथ एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में दोनों एंड शेरिन के शेप ऑफ यू गाने पर डांस कर रही है। इस वीडियो में सुष्मिता की छोटी बेटी अनिसा बहुत ही क्यूट डांस कर रही है। यह वीडियो असल में सुष्मिता के बीच साइड वेकेशन वीडियोस का एक मॉन्टाज है, जिसमें उनकी बड़ी बेटी रेनी भी नजर आ रही है। इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहने वाली सुष्मिता की तस्वीरों को देखकर आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि वह अपनी बेटियों की खुशियों और उनकी पसंद नापसंद का कितना ख्याल रखती है। वह उन्हें कभी कभी एहसास नहीं होने देती कि वह उनकी असली मां नहीं है, बल्कि उन्हें गोद लिया गया है। बॉलीवुड स्टार सिद्धार्थ और आलिया के फैंस के लिए एक खुशखबरी। बी टाउन की ये हॉट जोड़ी दिखी एक साथ। सिद्धार्थ और आलिया दिखे हाथों में हाथ लेकर। एक नजर डालते हैं इस जोड़ी पर। प्यार के पंछी सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट जो काफी दिनों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, पर पब्लिक ने कभी स्वीकार नहीं किया। कल रात हुए HT स्टाइलिश अवार्ड 2017 में दोनों हाथों में हाथ लेकर दिखाई दिए। ये देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद दोनों तैयार है अब अपना रिलेशनशिप पब्लिकली एक्सेप्ट करने के लिए। सिद्धार्थ और आलिया बी टाउन के एक लवेबल कपल माने जाते हैं। इनके फैंस बहुत खुश होते हैं जब दोनों एक साथ आते हैं। आलिया और सिद्धार्थ को कपूर एंड सन्स में आखिरी बार उन्हें साथ देखा गया था, जो कि बॉक्स ऑफिस पर एक हिट था। जल्द ही दोनों आशिकी 3 में रोमांस करते दिखाई देंगे। अपने बर्थडे पर इस एक्ट्रेस ने दिया खुद को 30 करोड़ का गिफ्ट। अपने आप से इतना प्यार करने वाली कौन है ये एक्ट्रेस, लेट्स फाइंड आउट। बॉलीवुड की क्वीन के नाम से मशहूर एक्ट्रेस कंगना रनावत ने अपने 30वां बर्थडे सेलिब्रेट किया और उन्होंने अपने आप को मुंबई के खार इलाके के अलीशान और शानदार बंगला गिफ्ट किया। कंगना रनौत के नए घर की बात की जाए तो उनका यह नया घर समुन्द्र किनारे बीच हाउस से कम नहीं है। बस फर्क इतना है कि खार इलाके में लिए इस बंगले में कंगना ने स्टोन की फ्लोरिंग करवाई है। ये बंगला 3 मंजिला है, जिसमें उनका पर्सनल ऑफिस भी होगा और उसकी छत को झोपड़े जैसा लुक दिया है ताकि उन्हें मनाली वाला एहसास हो। कंगना रनौत हमेशा से डायरेक्शन में अपना हाथ आजमाना चाहती थी।
बतौर डायरेक्टर कंगना एक प्रोजेक्ट पर काम करना चाहती है। अपनी फिल्म मणिकर्णिका की शूटिंग खत्म कर कंगना डायरेक्शन में हाथ आजमा सकती है और शायद 2017 में अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में भी अनाउंसमेंट कर सकती है। बॉलीवुड के सिंगर और एक्टर हिमेश रेशमिया एक 5 साल के बच्चे की हनुमान चालीसा सुनकर इतने प्रभावित हो गए कि उसे एक गाने के लिए साइन भी कर लिया। आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। बच्चों के सिंगिंग रियलिटी शो सारे गमा पा लिटिल चैंप सीजन 6 के जज के रूप में नजर आ रहे हिमेश रेशमिया ने एक विशेष गीत के लिए 5 साल के जयेश कुमार को चुना है। इस बच्चे ने मंच पर हनुमान चालीसा गाकर सभी का मन मोह लिया था। जयेश ने अपने प्रस्तुति से हिमेश ही नहीं बल्कि सभी को चौंका दिया था। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीशति हो लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा हिमेश ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने इस बच्चे की क्षमता को महसूस किया है। अगर जयेश की प्रतिभा सही ढंग से आगे बढ़ती है और इसे सही दिशा में निर्देश मिलते हैं तो कल्पना तक नहीं की जा सकती कि वह कितने ऊंचाई तक पहुंचेगा। मंच पर उनके द्वारा वर्णित हनुमान चालीसा सुनने के बाद मुझे लगा कि वह आगे चल कर के अगले बड़े गायक हो सकते हैं, इसीलिए एक विशेष गीत के लिए मैंने उसे चुना है। लंबे समय के बाद मेलोडी क्वीन आशा भोसले अपनी बेहतरीन आवाज के साथ वापस आ गई है फिल्म बेगम जान के इस नए गाने के साथ। ये गाना उस बेगम गैंग के हर एक इमोशन को आपके सामने आईने की तरह साफ कर देगा। एक नजर डालते हैं इस खबर पर। कुछ दिन पहले ही इस गाने को लेकर उत्सुकता बढ़ गई थी क्योंकि साल 2013 के बाद लोगों को आशा भोसले की आवाज का नजराना मिलने जो जा रहा था। प्रेम में तो है रे ऐसी पड़ी मैं पुराना जमाना नया हो गया ये क्या हो गया। डायरेक्टर श्रीजीत मुखर्जी ने बेगम जान का ये गाना रिलीज किया है। आशा भोसले के गाए इस गाने को अनु मलिक ने कंपोज किया है और कौसर मुनीर ने लिखा है। प्रेम में तोहरे नाम का ये गाना उस तपायतों की हवेली के अंदर की कहानी है जिसकी रानी विद्या बालन और उनकी महिला मंडली सुख दुख के अलग अलग पल जी रही है। रोहित शेट्टी के हाथ थमाते बदल गई इस एक्टर की किस्मत जो कभी करते थे ढाबे पर काम। कौन है ये एक्टर, एक नजर डालते हैं इस खबर पर। फिल्म जगत में जैसे एक्टर एक्ट्रेस का राज चलता है वैसे ही आर्टिस्ट भी होते हैं जो एक्टर एक्ट्रेस पर भारी पड़ जाते हैं। ऐसे ही एक आर्टिस्ट संजय मिश्रा है। आज संजय मिश्रा की पहचान बॉलीवुड में एक बड़े एक्टर और कॉमेडियन के रूप में बन गई है। संजय अपनी पूरी जिंदगी उसी ढाबे पर ही काम करने में निकाल देते अगर रोहित शेट्टी ने उनका हाथ ना थामा होता। रोहित शेट्टी और संजय फिल्म गोलमाल में एक साथ काम कर चुके थे। वो अपनी अगली फिल्म ऑल द बेस्ट पर काम कर रहे थे और उसी दौरान उन्हें संजय मिश्रा का ख्याल आया। संजय मिश्रा फिल्मों में लौटने को तैयार नहीं थे लेकिन रोहित ने उन्हें मनाया और फिल्म में साइन किया जिसके बाद संजय मिश्रा ने कभी पलटकर अपनी पुरानी जिंदगी को नहीं देखा। उसके बाद संजय मिश्रा के पास फिल्मों की बौछार होने लगी। उन्होंने कई हिट फिल्म दी। संजय मिश्रा के फंस गए रे ओबामा, मिस टनकपुर, हाजिर हो, प्रेम रतन धन पायो, मराठिया गैंगस्टर और दम लगा के हईशा जैसी कई हिट फिल्में की और अपनी अलग अलग पहचान बनाई। आज हर कोई संजय मिश्रा का फैन है। एक दौर था जब संजय मिश्रा बड़े बड़े एक्टर्स पर भी भारी पड़ते थे। कॉमेडियन सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा की लड़ाई के बाद कपिल की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है क्योंकि अब सुगंधा मिश्रा ने भी द कपिल शर्मा शो छोड़ दिया है। आइए देखते हैं इस शो की एक झलक। सुनील ग्रोवर के साथ हुए उनके विवाद के कई सारे टीम मेंबर्स उनके शो को अलविदा कह चुके हैं और अब इसमें एक और नाम जुड़ गया है। इस शो में अक्सर नजर आने वाली एक्ट्रेस कॉमेडियन सुगंधा मिश्रा भी अब इस शो में नजर नहीं आएंगी। खबरों के मुताबिक टीम के और लोग अली असगर, कीकू शारदा, चंदन प्रभाकर भी कपिल के इस व्यवहार और गुस्से से परेशान है।
इससे पहले अली असगर कपिल के पुराने दोस्त चंदन प्रभाकर भी शो छोड़ चुके हैं। अभी शो में कपिल दूसरे कॉमेडियंस को लेकर आ रहे हैं, लेकिन क्या दर्शकों से कपिल को वही वाहवाह मिलेगी जो उन्हें अभी तक मिलती आई है। इस एक्टर को सिनेमा और कला क्षेत्र में उनके योगदान के लिए कला रत्न पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। आखिर क्या है ये खबर, लेट्स फाइंड आउट। उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी अभिनेता अनुपम खेर को कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। अनुपम खेर को सिनेमा और कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए वर्ष 2004 में पद्मश्री और वर्ष 2016 में पद्म भूषण से नवाजा गया था। अभिनेता ने मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम किया है, लेकिन साथ ही उन्होंने कुछ प्रशंसित अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में भी अपने अभिनय का जलवा दिखाया है। अपना खून दिया मैंने इस देश के लिए, अपनी जिंदगी के कीमती साल लगा दिए इस देश की आजादी के लिए। बापू के साथ मैंने भी लात दिखाई है 42 में, ये देखिए ये, और इसका ये सिला दे रहे हैं आप मुझे, ये मेरा इनाम। अनुपम खेर ने हिंदी फिल्म जगत में किसी भी गॉडफादर या पारिवारिक पृष्ठभूमि के बिना कदम रखा था। उनकी पहली फिल्म वर्ष 1984 में आई थी और उसका नाम था सारांश। उन्होंने बताया कि वह आज जहाँ है वहाँ पहुँचने के लिए उन्हें जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव से होकर गुजरना पड़ा। अनुपम ने ट्विटर पर इस खबर के बारे में लिखा कि मैं इस खबर को साझा करते हुए बहुत खुश हूँ और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि माननीय उपराष्ट्रपति आज मुझे कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। सिंगर अंकित तिवारी ने दिया अपने गाने का लाइव परफॉर्मेंस, कुछ खास अंदाज में नजर आए अंकित। एक नजर डालते हैं उनके एनर्जेटिक परफॉर्मेंस पर। लाइव इन कॉन्सर्ट हमेशा इंटरेक्शन डायरेक्ट होता है, बीच में कोई नहीं होता, क्योंकि स्टूडियो में जब गाने गाते हैं हम लोग तो यू नो माइक के सामने गाना होता है और एक फिल्म की एक जो इमोशन होते हैं उसको निभाना होता है। यहाँ पे ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन होता है, बहुत मज़ा आता है, वो साथ में गाते हैं, इन्जॉय करते हैं हम सब लोग, तो लाइव इन कॉन्सर्ट एक अलग ही मज़ा है।
किसी घर निकले ना, कैसी तेरी दूर बरसी, ना दूर चुने ना चुने।
एंटरटेनमेंट जंक्शन के व्यूअर जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने हमारा आज का ये एपिसोड मिस कर दिया है, लेकिन डोंट वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेके आए हैं इस धमाकेदार एपिसोड का एक क्विक रिकैप। प्लीज टेक अ लुक।